गुड आफ्टरनून। आज आपके बीच में आने का जो मुख्य उद्देश्य है वह उद्देश्य एक सूचना देने के लिए था कि यहाँ पे मुखर्जी नगर सेंटर पर दिल्ली में आस्था आईएएस के द्वारा बीपीएससी 68 को ध्यान में रखते हुए मॉर्निंग बैच स्टार्ट करने का निर्णय किया गया है। अभी तक हम लोग मॉर्निंग बैच आस्था इसमें नहीं चलाते थे, लेकिन चूंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं बिहार में हैं, देश के विभिन्न भागों में हैं, उनकी बार बार ये मांग हो रही थी कि सर हम ऑफलाइन में नहीं आ सकते हैं, लेकिन हम तो रिकॉर्डिंग के बदले लाइव क्लास तो हम कर ही सकते हैं। तो लाइव क्लास के लिए अगर ऐसा कोई टाइमिंग रखा जाए जिससे कि ऑफिस जाने के पहले ही हम अपना क्लास कर लें, ठीक है, तो ऐसे बच्चों के डिमांड पर या कई लोग जो दिल्ली में रहते हैं जिनके ऑफिस नज़दीक है, तो उन लोगों की मांग के आधार पर उनके लिए ऑफलाइन और लाइव क्लास के लिए, ठीक है, जो एक मॉर्निंग का बैच स्टार्ट करने का निर्णय किया गया है। और आप जानते हैं कि चूँकि एक अब जो बीपीएससी के क्वेश्चन का नेचर है और जितना कंपटीशन बीपीएससी में जिस तरह से बढ़ते जा रहा है, उस बात को ध्यान में रखते हुए अब सेल्फ स्टडी से कई लोग यहाँ पे आकर के मिले, उनके अनुसार सेल्फ स्टडी से वो अपनी तरफ से जो बेस्ट ऑफ कोशिश करते जाते हैं, तो वो 80-85 कई बार लोग 70-75 कोई 90 तक पहुँच जा रहा है, लड़कियाँ हैं तो लड़कियाँ भी पहुँच अपनी तरफ से जो बेस्ट ऑफ कोशिश करने के बाद बावजूद वो एक लेवल तक पहुँच पा रही हैं, उससे आगे और कट ऑफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कट ऑफ बढ़ने के मल्टीपल कारण हैं, वो मैंने आपको पहले डिस्कस किया हुआ है कि एक बिहार सरकार का वो 50,000 रुपया जो मिलता है वो एक रीज़न है, उसके कारण से बहुत सारे जो जिनका पीटी का प्रिपरेशन अच्छा रहता है, जो कि बिहार में जनरली रहता है अच्छा, ठीक है, तो ऐसे लोग पीटी बीपीएससी का पीटी दे लेते हैं और क्वालिफाई कर जाते हैं, जिससे कि उनको वो 50,000 मिल जाए और उसके बाद फिर वो प्लान करना शुरू करते हैं पीटी पास करने के बाद कि अब मेरा ऑप्शनल क्या रखूं और जीएस का उसकी मेंस की तैयारी मैं कैसे करूं। ऑप्शनल तो खैर वो पहले ही भर चुके होते हैं जो भी उनका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होता है, और फिर बाद में कई बार उनको लगता है कि ये जो सब्जेक्ट तो मैंने भर लिया था उस समय तो मैं सीरियस था नहीं, अब जब पीटी पास कर गया हूं तो मुझे लगता है कि मेरा मेंस का जो सिलेक्शन था, मेंस के ऑप्शनल का सिलेक्शन था वो ठीक नहीं है, लेकिन अब उस समय कोई उपाय रह नहीं जाता है। तो एक कारण ये है। दूसरा एक कारण है कि अब बीपीएससी जो रेगुलर हुआ तो उस कारण से बहुत सारे जो सीरियस लोग हैं जो कि प्राइवेट जॉब में थे, टीसीएस में थे, इन्फोसिस में थे, विप्रो में थे, ऐसे ऐसे लोग, ठीक है, या कोई बैंक में था, पब्लिक सेक्टर बैंक में थे, कई बार जो एयरफोर्स में लोग हैं, ठीक है, तो ऐसे लोग भी अब यहाँ पे आने लगे, बीपीएससी के एग्जाम को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, ठीक है। तो इस सीरियसली लेने के कारण, और उसके पीछे एक और रीज़न है कि अवेयरनेस भी इसको लेकर के, क्योंकि जब भी रिजल्ट आता है तो देखते हैं कि हर जिले में कई दिनों तक अखबार में फोटो छपते रहता है, सम्मान समारोह होते रहते हैं, तो इससे भी लोगों में एक उत्साह बढ़ा हुआ है। और टीसीएस में मान लीजिए 1,00,000-1.5 लाख, 2 लाख का सैलरी, अब प्लस उसके बदले में अगर मान लीजिए कहीं पे वीडियो के रूप में एक ब्लॉक चलाने का मौका मिले, सीओ के रूप में, एक एसडीएम के रूप में, एक डीएसपी के रूप में, एक सब डिविजन के लेवल पे काम करने का मौका मिले, तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तुलना में या एक बैंक ब्रांच में बैठ के काम करने की तुलना में ये जो है इसमें पब्लिक एक्सपोजर ज़्यादा है, ज़्यादा इसमें लाइवलीनेस है, ज़्यादा इसमें अपनापन है, ज़्यादा इसमें आपको सोसाइटी के लिए कुछ करने का मौका यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो ये इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए बड़ी भारी संख्या में लोग इसमें टैलेंटेड लोग और जो कहा जाए कि जो कि पहले बीपीएससी में नहीं आते थे अब वो इसमें आने लगे। और तीसरा इसमें ये भी एक और रीज़न इसमें ये हो गया कि पहले की तुलना में अब सिंसियरिटी बढ़ गई है, पहले की तुलना में ज़्यादा गंभीरता से लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और उसमें यह आता है, एक ये भी माइंडसेट देखने को मिल रहा है कि जो भी पहले आईएएस की तैयारी कर, जब भी नया बच्चा कोई घर से निकलता था तो पहले आईएएस की तैयारी करता था, लेकिन अब जो देख रहा हूँ कि अब ये आ रहा है कि पहले क्यों नहीं पहले पीसीएस की तैयारी कर लें और उसमें क्वालिफाई करने के बाद एक सिलेक्शन पा जाएंगे तो घर में रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा, सोसाइटी में रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और उसके बाद फिर जरूरत पड़ा तो आईएएस की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो इस सब पृष्ठभूमि में कट ऑफ बढ़ते जा रहा है। आप जानते हैं कि 110 इस बार भी बीपीएससी 67 जो कैंसिल हो गया था उसमें भी लोग 110 115 120 तक क्वेश्चन लोगों ने सही किया हुआ था,
इतने लोग सीरियस हैं आज के डेट में इस एग्जाम को लेकर के। तो ऐसी स्थिति में जो भी जैसे आस्था ESI या पटना में कई सारी संस्थाएं हैं या जहां भी जैसे भी आपको ऑफलाइन ऑनलाइन में कुछ सुविधा, मान लीजिए कोचिंग के सपोर्ट से अगर आपका 10 क्वेश्चन भी बढ़ जाता है, 15 क्वेश्चन भी बढ़ जाता है, मान लीजिए PT की बात करें, 8 टीचर आस्था ES की बात करें तो 8 टीचर यहाँ पे पढ़ाते हैं, 8 लोग, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल और मैथ रीजनिंग, 8 टीचर पढ़ाते हैं। तो 8 टीचर के सपोर्ट से अगर 10-15 क्वेश्चन भी बढ़ जाता है, आप अपने से 90 पे हैं और 10-15 क्वेश्चन भी अगर आपका बढ़ जाता है, लड़कियों के मामले में करें तो उनका 96-97 या 100 के आसपास कटअप जाएगा, उनका अगर 15 क्वेश्चन भी बढ़ जाता है तो उनको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाता है मेंस देने का, और मेंस के बाद फिर इंटरव्यू और सिलेक्शन पाने का मौका मिल जाता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सारा का सारा आस्था, जो लोग 80-90 तक अब खुद से प्रयास से गए हुए हैं, अगर ये संस्थाओं की भागीदारी से 10-15 क्वेश्चन, 8 टीचर एक्सपीरियंस्ड, आप ही के बीच के जो वो टीचर हैं, अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, वो आकर के आपको 4-5 महीने, 6 महीने तक पढ़ाते हैं, बीच में टेस्ट लेते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, इन सब बातों को लेकर के अगर इससे 15-20 क्वेश्चन भी, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन किसी का, निश्चित रूप से कोई ऐसा है जो कि अपने जो भी उनका नॉलेज है उसको जीरो मान करके और संस्था के सहयोग से ही आगे बढ़ते हैं और फिर अपने नॉलेज को उसमें डालते रहते हैं, तो उनके लिए तो पूरा सारा सिलेक्शन का आधार ही बन जाएगा कोचिंग। लेकिन ऐसे लोग जिनको लगता है कि भाई मेरी तैयारी है लेकिन फिर भी मैं सिलेक्शन का कटऑफ और अपनी तैयारी के बीच में गैप रह जा रहा है, तो उस गैप को समय रहते भर लेने की जरूरत है। अगर वो समय रहते नहीं भरेंगे तो फिर उसमें रिस्क हो जाएगा, चांस खराब होगा। और जैसे BPSC 67 की ही बात करें तो 800 से ऊपर सीट था, इतना अच्छा सीट था, और मान लीजिए हमारे किसी एफर्ट में कमी के कारण अगर मेरा सिलेक्शन PT क्वालिफाई कोई नहीं करता है तो निश्चित रूप से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हाथ से चला जाएगा, समय भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, जो पैसा उन्होंने सामान्य रहने में खर्च किया वो भी जाएगा, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम जाएगा, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक BPSC का जो 800 से ऊपर का जो एक अपॉर्चुनिटी था, वो अपॉर्चुनिटी भी उनके हाथ से निकल जाएगा। PT का BPSC PT का एग्ज़ाम, अगर 67 का एग्ज़ाम अगस्त लास्ट वीक, सितंबर फर्स्ट वीक का जैसे कि प्रपोज्ड है, अगर हो जाता है ये एग्ज़ाम तो BPSC 68 का नोटिफिकेशन एकदम से आ जाएगा, क्योंकि अभी BPSC 66 का इंटरव्यू का रिजल्ट उसका पेंडिंग है, फाइनल रिजल्ट पेंडिंग है, उसके देने के बाद BPSC के पास BPSC का ये सिविल सर्विसेज के लिए कोई एग्ज़ाम उनके पास पेंडिंग नहीं है, ऐसा कई सालों से नहीं हो रहा था। बस 67 का PT हो जाएगा तो वो एग्ज़ाम, फिर वो साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, और इधर 68 का नोटिफिकेशन आ जाने से उसका साइकिल चलने लगेगा। तो 67 जब तक कंक्लूड होगा तब तक 68 का PT मेंस हुआ पड़ा रहेगा, तो एक लाइन, एक कहा जाए कि साइकिल BPSC की चलती रहेंगे, और जो भी लोग तैयारी करने वाले लोग हैं उनके लिए एक उम्मीद बना रहेगा। ठीक है, तो अब आप ये डिसीजन लेकर के, यहाँ पे आस्था ES की बात करें तो आस्था ES में हम लोग PT और मेंस, हम लोग फाउंडेशन मेंस कम प्री कुछ नहीं कराते हैं, हम लोग PT अलग कराते हैं, मेंस अलग कराते हैं, PT का क्लास अलग चलता है, PT के 8 टीचर, मेंस के 6 टीचर, तो ये दोनों में अलग अलग है, ये सिस्टम ही पूरा अलग है PT का इंट। और यही IAS में यही चीज़ गड़बड़ हुआ कि लोगों ने PT कम मेंस पढ़ाने लगा, PT भी कम हो गया, मेंस भी कम हो गया, और पता चला कि हिंदी माध्यम में आप जानते हैं कि IAS के रिजल्ट का क्या हाल हुआ। BPSC में हम लोग आस्था IAS में इस बात को लेकर के बिल्कुल कि जब PT चले तो उस पर ऑब्जेक्टिव फोकस रहे, और जब मेंस चले तो उस पर सब्जेक्टिव फोकस रहे, दोनों को मिक्स ना करें कि इकोनॉमी जब पढ़ा रहे हैं तो PT और मेंस दोनों एक ही साथ पढ़ा दें, बच्चे को समझ में नहीं आया कि क्या मुझे PT के लिए याद करना है, क्या चीज़ मुझे मेंस के लिए प्रैक्टिस करना है, याद करके प्रैक्टिस करना है, उसको समझ में नहीं आया, उसके जिम्मे छोड़ दिया और वो संभाल नहीं पाया उस चीज़ को। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो PT का सेक्शन अलग रखते हैं, मेंस का अलग रखते हैं। अभी जो 26 तारीख से आप नया एक PT का जो बैच स्टार्ट हो रहा है सुबह में 8 बजे से, और मेंस के जो भी बैचेज हैं वो सब बैचेज, मेंस का इंग्लिश मीडियम बैच अलग चल रहा है, मेंस का हिंदी मीडियम बैच अलग चल रहा है, PT का एक बैच शाम को भी चलता है 4 से 6 के बीच में, तो भी चलेगा। राजेंद्र नगर में भी जो लोग आसपास में रहते हैं और इंग्लिश मीडियम में तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी वहाँ पर PT और मेंस का BPSC 67 के PT के एग्जाम के जस्ट बाद 3-4 दिन बाद ही हम लोग मेंस का नया बैच स्टार्ट करेंगे, BPSC 67 और CDPO के एग्ज़ाम को फोकस करते हुए, उसके मेंस के एग्ज़ाम को फोकस करते हुए, और फिर हम लोग उसको मुखर्जी नगर में भी और राजेंद्र नगर में भी, दोनों जगह ये मेंस का क्लास स्टार्ट करेंगे। लेकिन राजेंद्र नगर में 68 PT के लिए भी क्लास स्टार्ट होगा, लेकिन ये जो 26 की बात कर रहा हूँ ये मुखर्जी नगर में ऑफलाइन में ये क्लास स्टार्ट होगा। तो जो भी कोई भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप इन्फॉर्मेशन इस पर कॉल करके 9540446088002330 और फिर एक और
9810664003, और राजेंद्र नगर के लिए हमने अलग से दिया 9811343480। ये राजेंद्र नगर का है, ये सारे नंबर यहाँ इस पे कॉल करेंगे, सब जगह की जानकारी मिलेंगी, लेकिन स्पेशली मुखर्जी नगर की का जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से मिल जाएगा, और राजेंद्र नगर का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये सारे मोबाइल नंबर हैं, इस पे जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं।